ये है कोशिश, अगर बारिश हो जाती है और पूरा हफ्ता बारिश रहती है काम नहीं होता तो मैं अगला बर्दाश्त करें। सर ये जो पानी ऊपर से हमारा इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर, क्या हम आस्था बोर्ड के अभी उस तरफ पब्लिक है, पब्लिक रोड बनाने आए सर मेरे पास, उनकी आवाज है जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं कि सर हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मुर्तजाबाद से पूरा सेंट्रल उन्दा के लिए बहाली के लिए फौरन अहमदाबाद में स्टार्ट हो गए। नहीं सर देखिए ये 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 चीजें छह दिन से कल मैं खुद गया था, कल तक कमिश्नर साहब आपके एफर्ट तो हम ऑन करते हैं लेकिन इस तरह नहीं है जो ग्राउंड सेंटर जो हमारा हेडक्वार्टर है बात वो सब सर ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा ताकत है, मेरे हजारों लोग जो है असाफात की वजह से ठीक है मीडिया टॉक बाद में कर ले सर ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं बंद किया तीन महीने हेलीकॉप्टर चलाए हैं समझ गए ना पूरा लोग आके काम किया, ये 25 लोगों की बात है 25 लोगों की, मुझे अफसोस होता है कि 25 लोगों का असेसमेंट करना अब हो चुका है, इरोजन जारी है, इरोजन जारी है, असेसमेंट हो चुकी है उन लोगों की मर्जी के मुताबिक हुई है, जितनी जमीन उन्होंने लिखाई है वो लिखी है, जितने दरख्त उन्होंने लिखाए हैं वो लिखे हैं, जितने जानवर सुन लेना चाहे स्पीकर साहब इस तरह नहीं करते, जो जायज बात है वो कर ली है। हाँ मसला ये है अब उनकी उनको पेमेंट देनी है, कंपनसेशन देनी है 15,000 रुपया फी फैमिली, एक साल के लिए उनको अलग देना है किराया कि कोई टेम्प्रेरी घर ले लो उस पर बच्चे शिफ्ट कर लो और अपना घर बनाओ, पैसे अलग देंगे। अब उन पैसों के लिए शाम को एक मीटिंग इस वक्त कैबिनेट की जा रही है, शाम तक हम वो भी करेंगे। ये जो बहुत बड़ा वाक़ा हुआ था फताबाद का इत्तेफाक से, उस वक्त भी मैं गिलगित बल्तिस्तान का इसी डिवीजन का इंचार्ज था और हमारे पास उस वक्त बहुत सारा डोनर्स भी आए, गवर्नमेंट ने भी उसको मोबिलाइज किया, उसका क्वांटम बहुत बड़ा था लेकिन जितनी कोशिश करके चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पहुँचे, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये दिन रात आपके साथ नौजवान मौजूद हैं, अब हर चीज़ को मोबिलाइज करने में यहाँ तक पहुँचाने में कई सारे मसाइल होते हैं, इनके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ये याद रखिए। हमारी ऐसा नहीं हुआ जहाँ तक मेरा इल्म है जिसकी तीसरे या चौथे दिन डैमेज असेसमेंट हो गई, और वो डैमेज असेसमेंट भी अफसरों ने बाबू ने अपने दफ्तरों में बैठ के नहीं की, डीसी साहब खड़े हैं, कमिश्नर साहब खड़े हैं, इन्होंने आपकी असेसमेंट की, घरों की, आपकी जानवरों की, आपके दरख्तों की, आपकी ज़मीनों की, और फिर आपके दरमियान आके बैठ के आपसे पूछा कि आप मुतमैन हैं, जो जो चीज़ें आपने लिखवाई, जो जो आपने कहा कि नहीं मेरी ज़मीन इतनी नहीं इतनी ज़ाया हुई है वो भी पूरी की गई है।